संसद की सुरक्षा में सेंधमारी मामले की जांच चल रही है। इस मामले में अब तक 6 आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। अब जांच में मामले को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। संसद में चूक मामले को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। घटना को लेकर पुलिस की तरफ से कुछ जानकारियां भी दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने संसद की सुरक्षा का उल्लंघन किया और लोकसभा के अंदर पीले धुएं छोड़े, उनका मकसद मीडिया का ध्यान आकर्षित करना था। साथ ही वे एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके विचार रखने का एकमात्र तरीका हो सकता है। एक दैनिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी सागर शर्मा ने जो खुलासा किया है, उसके अनुसार प्लान के मुताबिक पहले वे संसद के बाहर खुद को आग लगाना चाहते थे, लेकिन बाद में इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। बता दें कि सागर शर्मा वही शख्स है जो बुधवार को दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में घुस गया था, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई थी। रिपोर्ट में एक जांचकर्ता ने सागर शर्मा के साथ हुई पूछताछ का हवाला देते हुए बताया कि राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए इन लोगों ने कुछ ऐसा करने का प्लान बनाया जिससे उन्हें मीडिया का अटेंशन मिल जाए। वे किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने आगे बताया कि इन लोगों ने संसद के बाहर खुद को आग लगाने का प्लान तैयार किया था। यहाँ तक कि जल जैसी कुछ चीज़ भी इन्होंने खरीदने का प्लान बनाया, जिसे वास्तव में वे जले नहीं, यानी उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुँचे। अधिकारी ने कहा कि इस जेल को ऑनलाइन खरीदने की कोशिश की गई और पैसे भी इकट्ठा किए गए, लेकिन पैसों का भुगतान नहीं किया जा सका। फिर उन्होंने ये सोचकर पुनर्विचार किया कि इसे मीडिया का उतना अटेंशन नहीं मिल पाएगा। इधर स्मोक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित झा पहले ही पुलिस की गिरफ्त में। संसद कांड के बाद राजस्थान भागे ललित झा की निशानदेही पर पुलिस ने जलाए मोबाइल फोन्स के अवशेष बरामद कर लिए हैं। न्यूज एजेंसी NI ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन के पार्ट्स राजस्थान से मिले हैं। इन मोबाइल को साजिश का कथित मास्टरमाइंड ललित मोहन झा अपने साथ ले गया था। झा ने दिल्ली आने से पहले पांचों मोबाइल नष्ट कर दिए थे। वो लगातार जांच टीम को भी गुमराह करता रहा है। अब पुलिस ने सेलुलर कंपनी से ललित और बाकी आरोपियों के मोबाइल लोकेशंस का डेटा मांगा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्हें जांच के लिए FSL भेजा जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि शायद उनसे कुछ जानकारी निकल सके। बता दें कि 13 नवंबर को सागर शर्मा और मनोरंजन डी नाम के दो शख्स सदन में चल रहे शून्यकाल के दौरान गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे। वे अपने जूतों में स्मोक कैन लेकर गए थे, जहां उन्होंने पीला धुआं छोड़ा और नारे लगाए। बाद में सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया था। लगभग उसी समय दो अन्य आरोपी अमोल शिंदे और नीलम देवी ने संसद परिसर के बाहर तानाशाही नहीं चलेगी चिल्लाते हुए कैनों से रंगीन धुआं छोड़ा था। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये सभी आरोपी फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं, जहां इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की पूरी सच्चाई बाहर लाने में कामयाब रहेगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।